हाय दोस्तों, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इलाहाबाद का जो एक फेमस हमारा त्यौहार मनाया जाता है ददिकांदो मेला, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसको क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होने के लिए इस त्यौहार का आयोजन किया गया था, जिसका नाम है ददिकांदो मेला। देश के अंग्रेजी हुकूमत की ओर से लगातार हमारे क्रांतिकारियों को दबाया जा रहा था और उनके अखबारों, बैठकों और सभाओं पर रोक लगा दी गई थी। अगर हमारे क्रांतिकारी कहीं सभा कर रहे हों या उनकी कोई बैठक हो रही है तो उनको डायरेक्ट वहां से उठाकर जेल में डाल दिया गया जाता था। इसकी वजह से हमारे सारे क्रांतिकारी और देश के लोग बिल्कुल डरे हुए थे। तो कुछ क्रांतिकारियों ने एक प्लान बनाया कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम अपने सभाओं को पूर्ण कर सकें। तो इसी का एक हिस्सा है दोस्तों, जो आज हमारे इलाहाबाद में ददिकांदो मेला मनाया जाता है। ददिकांदो मेले का सबसे पहले आयोजन 1890 ईस्वी में सुलेम सराय में स्टार्ट किया गया था और आज बहुत धूमधाम से ददिकांदो मेला मनाया जाता है इलाहाबाद में, और लगातार एक महीने तक ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।